तो कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एंड मजे में होंगे। तो स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन एंड मुझे पता है कि आप लोग भाई डेली हमारी वीडियो देखते हो, बट भाई आप लोग यार सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो यार। एक सेकंड लगता है कर दो, और यार वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट भी मिलता है भाई, कमेंट करो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और साथ में अनुष्का के एक हो चुका है एक न्यू बॉर्न बेबी। एंड भाई लिटिल भाई इनको बिगे टाइम पे इंस्टाग्राम वगैरह पे भाई काफी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह मिल रहे हैं। तो उसका रिप्लाई देते हुए अनुष्का और विराट कोहली की स्टोरी लगाते हैं। तो भाई उसमें कुछ लिखते हैं, विद द एडवर्टाइजमेंट happiness or of a heart full of a love and please information everything of a 15 February we welcome your baby Akai we make a little brother into world we have of a blessing of a good wishes beautiful time of a kindly request kindly reserve privacy this time love granted Virat and Anushka। तो भाई मैं आप सबको बता दूं कि भाई जो विराट कोहली हैं साथ में अनुष्का हैं, भाई वो इसमें लिखे हैं कि भाई जो हमारा एक न्यू बेबी है वो हुआ था 15 फरवरी को। एंड वो साथ में एंड में कुछ ऐसा भी लिखे हैं कि भाई जो हमारा एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है भाई आप लोग यार उसकी थोड़ा सा प्राइवेसी का भी ध्यान रखना। एंड साथ में यार वो कुछ ऐसा ही बोले हैं कि आप सब लोग उनके भाई वगैरह ही हो एंड बहने वगैरह ही हो, भाई आप लोग यार उसकी थोड़ी प्राइवेसी का ध्यान रखना भाई, कोई ज्यादा फालतू प्राइवेसी को उसका रिलेटेड मतलब कुछ भी मत ज्यादा वो करना भाई। आधे लोग होते हैं भाई जो काफी खतरनाक तरीके से उनको काफी ट्रोल वगैरह करने लगते हैं। एंड उसके बाद भाई ट्विटर पर भी इनको काफी खतरनाक तरीके से ट्रेंड चलता है। तो सबसे पहले चलता है #Akai एंड उसके बाद चलता है प्रिंस। तो भाई आप सबको पता है कि जो भाई विराट कोहली है भाई उनको यार एक मतलब एक इंडियन क्रिकेट टीम का भाई किंग बोला जाता है। एंड उनके लड़के को भाई उस किंग से रिलेटेड बोला जा रहा है प्रिंस। बाकी उसके बाद भाई काफी सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और काफी सारी पाकिस्तानी जनता जो कि उनके भाई कट्टर फैन है भाई वो लिटरली भाई विराट कोहली को काफी अच्छी तरह से अप्रिशिएट करी एंड साथ में काफी खतरनाक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह भी बोली। एंड भाई उनके काफी पाकिस्तानी फैंस भी हैं भाई, वो सब उनको यार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे फॉर न्यू बॉर्न बेबी। एंड उसके बाद भाई यार जो उनके काफी अच्छे दोस्त हैं सचिन तेंदुलकर भाई वो भी कुछ ट्वीट लिखते हैं। तो वो लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन विराट एंड अनुष्का ऑन द अचीव ऑफ Akai celebration of a beautiful family just like name of I of a room made to hill of a world entered of a letter of a her advantage of a memory you will create forever welcome to world little camp। also काफी लोग यार Akai का मतलब पूछना चाहते हैं। तो भाई उसका मतलब होता है shining moon मतलब कि चमकता हुआ भाई चांद। एंड उस यार आई थिंक यार वो तुर्किश वर्ड है। बाकी आप सबका इस पूरे सीन पे क्या रिएक्शन है कमेंट्स में बताओ। नाउ तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई के टाइम कैरी मिनाटी बात कर रहे हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। एंड भाई लिटरली भाई कल के दिन अपने यार यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट करते हैं एंड साथ में पोल वाला, और भाई उसमें लिखते हैं तुम लोग एनिमेटेड कंटेंट देखने वाला पसंद करोगे एंड साथ में कुछ पोल्स देते हैं। एंड आई थिंक भाई वो फ्यूचर में अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका क्या रिएक्शन है कॉमेंट्स में बताओ। एंड अगर विराट कोहली के रिलेटेड बात चल रही थी तो भाई हम लोग बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो भाई जो सचिन तेंदुलकर हैं भाई वो कल के दिन एक फ्लाइट कर रहे थे और भाई वहाँ उस फ्लाइट में भाई लिटरली उनके सारे के सारे फैंस होते हैं और भाई वो पीछे से काफी क्लैप वगैरह करने लगते हैं और काफी खतरनाक खतरनाक चैट्स करने लगते हैं। तो देखो भाई उस पूरे क्लिप में क्या कुछ सीन हुआ। नाउ नेक्स्ट अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं 12th फेल के काफी ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर विक्रांत मैसी के बारे में। तो भाई अभी के टाइम पे एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है एंड आप लोग उनके बारे में जानते होंगे भाई। इन्होंने यार एक भाई मिर्जापुर में भी अपना काम करा था जिसमें भाई ये बबलू का रोल कर रहे थे। और भाई मैं आपको बता दूं कि इनके साइड से बहुत ज्यादा खतरनाक न्यूज निकल के आ रही है एंड भाई वो क्या पाकिस्तानी है। एंड यस भाई यार वो कल के दिन यार किसी यार यूट्यूबर के साथ भाई पॉडकास्ट कर रहे थे एंड उस पॉडकास्ट में भाई लिटरली उनकी काफी खतरनाक खतरनाक चीजें रिवील होती है। एंड मैं आपको यार उस पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ एंड देखो भाई उसमें क्या बोले। नाना नानी के बारे में बताओ जल्दी से, यार बहुत इंटरेस्टिंग है तो डिटेल ले लो। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है यार, पाकिस्तान से माइग्रेट हुए पार्टीशन पे। कहाँ से? होशियारपुर। हाथ मिलाओ, हम सियालकोट से हैं। कम ऑन यार, कम ऑन। लवली लवली। अच्छा नाना नानी वहाँ के? नाना नानी वहाँ के हैं। तुसी पाकिस्तानी हो? मतलब यार ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है यार, बोल देंगे चले जाओ वापस पाकिस्तान। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। हाँ जी, हाँ मतलब ब्लड लाइन तो आप कह सकते हो। होशियारपुर, होशियारपुर पाकिस्तान। एंड बेसिकली भाई जो यार ये विक्रांत मैसी है भाई उन्होंने इस वाली क्लिप में बताया है कि जो भाई उनका ओरिजिन है भाई वो पूरा का पूरा यार एक पाकिस्तानी है। एंड भाई जो उनकी मम्मी की यार जो मतलब मौसी वगैरह वगैरह है भाई वो भी आई थिंक मतलब पाकिस्तानी है। एंड पहले तो यार आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान एंड इंडिया भाई एक मतलब इकट्ठा ही था भाई कुछ सालों पहले ही। तो भाई
वो अलग अलग हुआ है, एंड साथ में जो भाई विक्रांत मैसी है भाई वो बात कर रहे हैं एक अलग अलग रिलीजन के बारे में, मतलब कि जो उनके पापा हैं भाई वो अलग रिलीजन के हैं, उनकी मम्मी है जो अलग रिलीजन की है, एंड जो उनका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई है भाई वो भी अलग रिलीजन का है, एंड भाई वो लिटरली यार इस वाले पॉडकास्ट में उनके वाली क्लिप बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रही है, एंड यार वो पॉडकास्ट की क्लिप भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से ट्रेंड कर रही है, एंड मैं आपको यार वो क्लिप दिखाता हूँ भाई, काफ़ी डिस्कस्टिंग क्लिप है, एंड भाई आप लोग यार देखो बैकग्राउंड में। ब्रदर्स नेम, उसका नाम मोइन है, मेरा नाम विक्रांत है। आया होगा मन में कि मोइन क्यों है नाम। ही कन्वर्टेड टू इस्लाम, मेरे घर वालों ने उसको रिलीजन बदलने दिया कि बेटा तुमको इस चीज में संतुष्टि है तुम करो। एट व्हाट एज? व्हेन ही वाज 17। इट्स बिग स्टेप, इट्स अ बिग स्टेप। मेरी माँ सिखनी है, मेरे फादर चर्च गोइंग क्रिश्चियन है, हफ्ते के दो दिन चर्च जाते हैं। सारे रिलीजन कवर हो गए हैं, सब हो गया, ठीक है। मेरी मेरी उसने इसलिए किया है, उसने कहा कोई मुसलमान है ही नहीं घर में, नहीं घर में। तो रिलीजन को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके ना, मैं बहुत यंग एज से ना बहुत कलेश देखे हैं मैंने। ओके। माय फादर वाज क्वेश्चन्ड बाय माय एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की हाउ कुड यू अलाउ दैट। माय फादर सेड दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक बात है। ही इज माय सन, ही इज ओनली आंसरेबल टू मी। He has all the rights to choose what he wants. And बाकी इस न्यूज़ पे आप सबका कुछ ओपिनियन है तो भाई आप लोग अगर कमेंट्स में बता दो, एंड भाई आपको एंड में शॉर्ट आउट में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट में हम लोग बात करते हैं रोनी के बारे में। तो भाई अभी इनकी शादी हुई थी, एंड भाई ये बताए हैं कि शादी के बाद उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो भाई एक स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, देखो आप लोग। गाइज, शादी वाले हफ्ते मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि मेरा व्हाट्सएप अभी तक अटका हुआ है, मेरे को पता भी नहीं क्या हो रहा है। मतलब ऐसा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक पॉइंट के बाद जाता है, ब्लैंक हो जाता है, विदाउट व्हाट्सएप क्रैश डायरेक्ट बंद, इतने सारे मैसेजेस थे। मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो भाई आप सबको पता है कि जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 में गए हुए थे, एंड भाई उसके बाद जब वो आए तो भाई उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था कि भाई उनकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, बट अभी के टाइम पे भाई वो एक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड भाई वहाँ पे कोई लड़की बोलती है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, बस तुम मुझसे शादी कर लो। एंड देखो आप लोग यार वो क्लिप। हेलो, जी मुझे सबसे एक चीज करनी है, मैंने ना आपको मान लिया है मेरा पति, तो आप बस हाँ बोल दीजिए, बस हाँ बोल दीजिए। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब आपने हस्बैंड मान ही लिया, तो अब मेरे मानने ना मानने क्या हुआ। एंड बाकी इस लड़की के माइंड सेट पे आप सबका क्या ओपिनियन है भाई आप लोग यार कमेंट्स में बताओ। और अगर हम शॉर्ट आउट की बात करें तो भाई यार कोई वीडियो में कमेंट ही नहीं करता भाई किसको शॉर्ट आउट दूं, तो भाई आप लोग यार वीडियो में कमेंट करो। और यार आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं कल 5 बजे।